ब्रेकिंग न्यूज बॉलीवुड। ये आजादी की लड़ाई मेरे मर जाने से खत्म नहीं होगी, ये आजादी तो मेरे मर जाने के बाद शुरू होगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकन को दबा दें। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं और वीडियो शेयर करके भी। हिंदी सिनेमा में तकरीबन 6 दशक तक दर्शकों पर अपने हुनर, अदाकारी और रोमानियत का जादू बिखेरने वाले सदाबहार अभिनेता देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। देवानंद का असली नाम धर्मदेव पिशोरी लाल आनंद था। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में अपने स्नातक की शिक्षा 1942 में लाहौर में पूरी की। 1943 में अपने सपनों को साकार करने के लिए जब वो मुंबई पहुंचे, तब उनके पास मात्र 30 रुपए थे और रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। देव आनंद ने मुंबई पहुंचकर रेलवे स्टेशन के समीप ही एक सस्ते से होटल में कमरा लिया। उस कमरे में उनके साथ 3 अन्य लोग भी रहते थे, जो उनकी ही तरह फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। देव आनंद को पहला ब्रेक 1946 में प्रभात स्टूडियो की फिल्म हम एक से मिला। हालांकि फिल्म फ्लॉप होने से दर्शकों के बीच वो अपनी पहचान नहीं बना सके। इस फिल्म के निर्माण के दौरान ही प्रभात स्टूडियो में उनकी मुलाकात हुई गुरुदत्त से, जो उस समय फिल्मों में कोरियोग्राफर के रूप में अपनी पहचान बनाना चाह रहे थे। भाई चेतन आनंद के साथ मिलकर देव आनंद ने नवकेतन फिल्म्स की नींव 1949 में रखी। उनकी सदाबहार पर्सनैलिटी की वजह से उन्हें बॉलीवुड ने नाम दिया एवरग्रीन देव। 1955 से लेकर 1965 तक दक्षिण के एमजी रामचंद्रन और बॉलीवुड के देव आनंद सबसे ज्यादा फीस लेने वाले अभिनेता थे। 1954 में कल्पना कार्तिक से देवानंद ने शादी कर ली। कल्पना कार्तिक का घर का नाम मोना सिंह था। कल्पना खुद भी एक्ट्रेस थी। दोनों ने फिल्म टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग के वक्त निजी तरीके से शादी की। कल्पना क्रिश्चियन थी। फिर इनके 2 बच्चे हुए। पहली नौकरी में उनका वेतन 165 रुपए प्रति माह था। बाद में अकाउंटेंट के तौर पर एक कंपनी ज्वाइन की, जहां इनका वेतन 85 रुपए था। इसके बाद अपने बड़े भाई चेतन आनंद की इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन ज्वाइन की। देव आनंद साहब अशोक कुमार से बेहद प्रभावित थे। अशोक कुमार की अछूत कन्या और किस्मत फिल्म में उनकी एक्टिंग पर देव आनंद फिदा हो गए थे और तय कर लिया था कि वो भी एक्टर बनेंगे। तो चलिए अब रूबरू करवाते हैं आपको दिग्गज अभिनेता देवानंद के बेटे से। देवानंद के बेटे का नाम है सुनील आनंद। सुनील आनंद कई फिल्मों में नजर आए, लेकिन उन्हें वो कामयाबी नहीं हासिल हुई जो उनके पिता देवानंद को हुई थी। देवानंद साहब के दोस्त रहे दीन बख्शी ने बताया, सुनील एक अच्छे इंसान है, लेकिन देव साहब का नाम इतना बड़ा है कि उसके आगे हम सब छोटे हो जाते हैं। वो आगे कहते हैं कि देव साहब से सुनील की तुलना होना स्वाभाविक है। ये वैसा ही है जैसे अमिताभ बच्चन से अभिषेक की तुलना, और ये कभी कभी बहुत मुश्किल भी हो जाता है। पूरी तरह से देव साहब का अंदाज कॉपी कर चुके सुनील से जब मैंने पूछा कि क्या देव साहब के जाने के बाद उनकी कमी महसूस होती है, तो वो कहते हैं कि उनका नाम बहुत बड़ा है और भारी है, जिसे आगे ले जाना एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है। लोगों को मुझसे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें हैं, जिन्हें पूरा करने की मैं बस कोशिश कर सकता हूं। तो दोस्तों, आप लोगों को देवानंद साहब की एक्टिंग कैसी लगती है, हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल दीजिए इजाजत, धन्यवाद।